नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जय प्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, ये अंजीर का मेरा पौधा है और आप देख लीजिए इसमें अंजीर लगी भी हुई हैं और पक भी रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये क्या हुआ मेरे पौधे को आप देख लीजिए और ये मेरा पौधा इस तरह की हालत में क्यों पहुँचा, ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यही कहूँगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि होम गार्डनिंग से जुड़े वीडियो समय समय पर आप सभी को मैं दिखा सकूं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को करता हूं स्टार्ट। आप जो ये पौधा देख रहे हैं, ये करीब 1.5 साल पुराना मेरा अंजीर का पौधा है और आपको मैं बहुत क्लोजअप में दिखाऊंगा। इसमें अंजीर लगे भी हुए हैं लेकिन इसकी पत्तियाँ हैं दोस्तों दिखाई दे रही होंगी। और ये एक टीन के कंटेनर में लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। और मैं बहुत सारे पौधे अपने टीन के कंटेनर में स्टार्टिंग में ग्रो करता हूँ, बाद में इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए ये टीन के कंटेनर में ये बहुत सारे मुझे अंजीर खिला चुका है। और इस वक्त दोस्तों ऐसा इसलिए है कि ये डोरमेंसी में चल रहा है ये पौधा। जी हाँ दोस्तों, इसको कह सकते हैं ये सो रहा है, निद्रा में है और ज़्यादा समय तक ये ऐसा नहीं चलता है ये पीरियड। और अभी ये करीब 15 दिन के बाद इसमें न्यू लीफ आ जाएंगी और बहुत ही पौधा हरा भरा हो जाएगा और अंजीर भी बहुत सारे लगेंगे। देखिए दोस्तों, ये अंजीर यहाँ लगी है और एक अंजीर ये पक रही है लेकिन ये पौधे में एक भी पत्ती नहीं है। दोस्तों, जो नए लोग हैं और इस तरह की जो पौधे में देखते हैं घबरा जाते हैं और पौधे को बहुत सारा फर्टिलाइज़र दे देते हैं, कोई DAP दे देता है, कोई यूरिया दे देता है। दोस्तों, इस वक्त कोई भी फर्टिलाइज़र यानी हल्का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपने दिया तो पौधा गया, यानी कि पौधे की डेथ भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ओवर फर्टिलाइज़र हो गया तो पौधे की डेथ हो सकती है। कारण यह है कि पौधा दोस्तों डोरमेंसी में है, इस वक्त सो रहा होता है और आप अगर ज़्यादा इसको भोजन दे देंगे तो पौधा डेड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे जैसे भी इस वक्त सर्दियों का मौसम है और ये मौसम थोड़ा चेंज भी हो रहा है, तो आप इसमें हल्का फर्टिलाइज़र जैसे कि 1 चम्मच बायोजाइम आप दे सकते हो, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, बिल्कुल यानी हल्का फर्टिलाइज़र इनको देना है और उसकी हल्की सी गुड़ाई कर दें। वाटरिंग भी ज़्यादा इस वक्त करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बारिश हुई थी हाल में, तो पौधा स्वस्थ हो जाएगा और पत्तियां भी आने ही वाला है फरवरी में, स्टार्टिंग में ही इसमें न्यू लीफ आ जाएगी तो पौधा फिर से ग्रीन हो जाएगा, हरा भरा दिखाई देगा। तो दोस्तों, यही कहेंगे कि इसमें जो फर्टिलाइज़र देने की प्रक्रिया है बिल्कुल लाइट रखनी है। इस वक्त मैं फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो आप ये अंजीर का पौधा देख रहे हैं, इससे मैंने बहुत सारे यानी इसके जो फ्रूट से बीज निकाल के बहुत सारे बेबी अंजीर बनाए थे और बहुत सारे लोगों को यानी अपने फ्रेंड लोगों को गिफ्ट भी किया था। तो दोस्तों, ये जो आपको मैं दिखाऊंगा ये बेबी, इसमें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी जो डोरमेंसी पीरियड चल रहा है और इसकी सब पत्तियाँ देखिए बिल्कुल ग्रीन है, इसमें इसका कोई प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये पौधा अभी छोटा है। जब ये पौधा मैच्योर हो जाएगा, फ्रूटिंग देने लगेगा, तो ये भी साल में एक बार यानी निद्रा में जाएगा, डोरमेंसी में जाएगा। तो आप देख लीजिए ये पौधा कितना हेल्दी दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो मेरा ये पौधा है अंजीर का, इसमें पूरी पत्तियां गिर चुकी हैं। तो दोस्तों, अब मैं फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ बिना देरी करते हुए। दोस्तों, ये हल्का फर्टिलाइज़र देंगे, इसमें मैंने करीब 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लिया है और ये जो है नीम खली है, आप जो ये ब्राउन रंग की देख रहे हैं, और ये बायोजाइम। मैंने अपने हर वीडियो में ये बताता रहता हूँ कि फर्टिलाइज़र के बारे में, ये बायोजाइम के दाने हैं, ये मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट है। तो दोस्तों, पौधा धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो मिट्टी में है वो ले लेता है, इसी के कारण हमें फर्टिलाइज़र समय समय पर देना पड़ता है। यानी फरवरी में इसकी लीफ आने वाली है, उससे पहले ही मैं इन फर्टिलाइज़र को आपको देख के दिखा रहा हूँ। उसको आराम से इसको उसको मिला लेना है हाथ से। ये 3 फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया, इसको आसानी से 2-3 महीने तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वैसे भी अंजीर के पौधे में वाटरिंग कम कीजिए, फर्टिलाइज़र कम दीजिए, पौधा हेल्दी बना रहेगा। तो आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ और ये देखिए मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर देना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टीन के कंटेनर में लगा हुआ है। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने टीन के कंटेनर में ही लगाया है अंजीर का पौधा, तो आप भी लगाएं, आप गमले में लगा लीजिए, जैसे जिसकी अवेलेबिलिटी है। अब जैसे जो अफोर्ड कर सकता है, कुछ लोग ग्रो बैग अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्रो बैग में लगा लें, बेस्ट वैसे रहेगा ग्रो बैग। ग्रो बैग में आप लगाएं तो ज़्यादा दिन तक पौधा चलेगा। अभी मुझे इसको रिपोर्ट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये पौधा मेरा 1.5 साल का हो गया है। दोस्तों,
ये मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया और इसमें 15 दिनों के बाद पत्तियाँ नई निकल आएंगी और पौधा जैसे ये दिखाई दे रहा है ग्रीन, ऐसे ही ये दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं वाटरिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो हल्का सा वाटरिंग ज़रूर कर दें ताकि फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से मिल जाए। दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाया अंजीर के पौधे पर, इसलिए बनाया क्योंकि जो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि मेरे पौधे की ऐसी हालत क्यों हो गई है या मेरा पौधा में ये क्या हो रहा है, तो तरह तरह के फर्टिलाइज़र देते हैं, इसी पर ये वीडियो था। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों अंजीर के पौधे पर बना ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि होम गार्डनिंग से वीडियो समय समय पर आपको दिखा सकूँ। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।